हेलो निटेरोस, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे बेटा? सारे सारे VBT का ही एक्सटेंशन, सॉरी VSEPRT का एक्सटेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखे थे, सभी टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है, और जितने भी लोन पेयर हो सकते हैं, ऑक्सीजन आयंस वगैरह, ठीक है, सब कुछ हमने ड्रॉ करके देख लिया था। ठीक है, उसी लेक्चर को VSEPRT के ही एक्सटेंशन को कंटिन्यू करने वाले हम लोग आज बॉन्ड एंगल के साथ। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर जैसे बॉन्ड एंगल हुआ, डायपोल मूवमेंट हुआ, ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे, बॉन्ड एंगल और डायपोल मूवमेंट। जितना भी आपका बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड एंगल पूछा जा सकता है, पूरा का पूरा यहाँ कवर करेंगे, ठीक है, और डायपोल मूवमेंट भी, ठीक है। डायपोल मूवमेंट तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल, सबसे पहले बॉन्ड एंगल होता क्या है? दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। एंगल बिटवीन टू नियर बाई बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन टू नियर बाई बॉन्ड्स बेटा, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसके लिए। और ये ठीक है, चलो फाइन। तो जो एडजेसेंट बॉन्ड है बेटा, दो नियर बाई बॉन्ड है, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो बेटा, BCl3, BCl3 ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। इनके बीच में कितना एंगल होता है? 120। तो ये क्या आपका बॉन्ड एंगल, क्या है? बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल, ठीक है। जैसे BCl2, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा? sp, BCl3, sp2, CCl4, sp3। परसेंटेज कितना है? यहाँ 50% है, यहाँ कितना है? 33% है, यहाँ कितना है? 25% है। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे बेटा? अगर नहीं आ रहा समझ में कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ रही है, स्ट्रक्चर्स कैसे आ रहे हैं, तो जाके पीछे वाले लेक्चर को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो BECl2 आपका ऐसा होता है बेटा, ठीक है। कितना एंगल है? 180 डिग्री, ठीक है। VCl3 अभी हाल बनाया, CL CL CL, एंगल 120 डिग्री। CCl4 बेटा टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को 109 डिग्री, 109.5 डिग्री भी लिख देते हैं, ठीक है, कोई कोई, फाइन। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब C2H2, C2H4, C2H6, ये क्या है बेटा? ये इथाइन, ये क्या है? इथाइन, ठीक है, ऑर्गेनिक याद है ना, ये इथीन, ये है इथेन, ठीक है, इथेन। ये कैसा होता है बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड, CH H, ये बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा? SP, ठीक है। इथाइन कैसा होता है बेटा? C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कैसा होगा? नियरली इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। क्यों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका 50% एस कैरेक्टर है, इसका 33% एस कैरेक्टर है। और ये इथेन कैसा होता बेटा? C सिंगल बॉन्ड C, टेट्राहेड्रली हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की नंबर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, फाइन। जैसे BCl3 और CCl2, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है BCl3 का? ट्राइगोनल प्लेनर बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। CCl2 का एंगुलर बेटा, CCl2 का एंगुलर, ये रहा लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा बेटा? इसका 120 डिग्री है, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? यहाँ से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हम लोग जानते हैं ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH4NH3H2O2। CH4 के पास 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। ये लोन पेयर H H H, ठीक है, यहाँ भी H लगा दो,
H2O का बेटा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर, सबका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ठीक है। इसका 107 होता है, इसका 104.5 डिग्री होता है, ठीक है, और इसका 109.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका अमोनियम आयन, अमोनिया एंड NH2-। sp3 हाइब्रिड है बेटा, sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है। 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। बिल्कुल पीछे ऐसा केस हो जाएगा बेटा, 2 लोन पेयर। ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, ये 107 डिग्री, ये 104.5 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। बॉन्ड एंगल घट रहा है, ठीक है, जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ रहा है। फिर आता हमारा सेंट्रल एटम, थर्ड पॉइंट है हमारा सेंट्रल एटम। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता है। अब इसका लॉजिक क्या है? देखो, ये लगाना कहाँ है? बेसिकली जहाँ हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सभी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, लोन पेयर का नंबर सेम हो, बॉन्ड पेयर सेम हो, ठीक है। जनरली ये ना ग्रुप ग्रुप में लगाते हैं बेटा, जनरली जो आपका ग्रुप है डाउन द ग्रुप उसमें अप्लाई करते हैं। और साइड एटम भी कैसा होना चाहिए? सेम। अब आपको लग रहा होगा सर हर एक कैटेगरी के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, मुझे कैसे याद रहेंगे? आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में अपने आप ऐसा करके दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, बहुत दिखेगा कि अरे ये तो सिंपल है, इसमें मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम जैसे जैसे बढ़ता है बॉन्ड एंगल, कैसे कैसे रेडियस बढ़ता है बॉन्ड एंगल घटता है, यानी डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है। साइड एटम सेम लेना है। अब इसका रीजन बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है NCl3, PCl3, ASCl3, ठीक है। देखो जरा, नाइट्रोजन CL3 कैसा रहा होगा? ये लोन पेयर होगा, ठीक है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है, ये Cl, फाइन। अब देखना जरा, जो इनके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन रहे होंगे बेटा यहाँ कहीं पर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिपल्सन बेटा, क्या हो रहा होगा? रिपल्सन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिपल्सन, ठीक है, यहाँ पे हो रहा होगा रिपल्सन, ठीक है। अब देखो, जैसे ही नाइट्रोजन से फास्फोरस पे आएंगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस पे आते ही फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन और दूर खींच लेगा, और दूर खींच लेगा बेटा, ठीक है। जब देखो जरा यहाँ पे देखा ना, जैसे ये यहाँ हमारा फॉस्फोरस, ये लोन पेयर, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? यहाँ होंगे बेटा, ठीक है। तो रिपल्सन कैसा हुआ बेटा? यहाँ पे अगर मैं रिपल्सन देखूँ, रिपल्सन कम हुआ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस बढ़ गई, रिपल्सन कम हुआ। रिपल्सन कम हुआ तो जो ऊपर से रिपल्सन आ रहा है बेटा, लोन पेयर का रिपल्सन आ रहा है, जो लोन पेयर का रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैसे आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे बेटा। पास पास आते ही बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई? डाउन द ग्रुप जाते जाते जो आपका साइड एटम अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है, जिससे उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाता है और वो पास पास आ जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटेगा ना, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा? NCl का सबसे ज़्यादा, PCl3 का, देन ASCl3 का। क्लियर है? लॉजिक समझ में आया? फाइन। अब देखो नेक्स्ट, NH3, PS3, ASH3, SBS3। ध्यान दो बेटा, सभी के सभी पे सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, और साइड एटम भी सेम है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड एंगल कैसा होगा? घटेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है, क्लियर है। ये रहा लोन पेयर, ठीक है, NH3, ये रहा हमारा PS3, ठीक है, ये रहा हमारा AS3। ध्यान दो जरा बेटा, यहाँ पे मैंने एक अच्छी बात बताई थी आपको, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल किसको याद है जल्दी बताओ? इसका होता है 107 डिग्री बेटा, और ये सब के सब कैसे होते हैं? कंपेरेबल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका 92 से 93 के अराउंड होता है, इसका 92 होता है, इसका 91 होता है, ठीक है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है बेटा। तो ये कैसे हैं हमारे? ऑलमोस्ट कंपेटेबल टू 90 डिग्री, ठीक है,
और बॉन्ड एंगल तो डक घटता ही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही हमारा वाटर वाला बेटा, इसका कितना होता है 104.5 डिग्री, और इन सब का कैसा होता है कंपेरेबल टू 90 डिग्री, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, घटता हुआ आएगा हमेशा, ठीक है, घटता हुआ आएगा। फाइन, नेक्स्ट ऑफ पॉइंट है बेटा आपका साइड एटम। बॉन्ड एंगल साइड एटम पे कैसे डिपेंड करता है, देखो साइड एटम जो जुड़े हुए हैं, पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइड एटम अगर आप देखने जाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। उन पे अगर किसी पे लोन पेयर, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर सभी के पास होने चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड पेयर आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे सेंट्रल एटम, हाँ सॉरी, सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, लोन पेयर सेम होना चाहिए, बॉन्ड पेयर सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर लगाएंगे साइड एटम का फैक्टर। साइड एटम जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे साइड एटम बड़े होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो PCF3 में फॉस्फोरस बेटा, ये लोन पेयर, ठीक है, ये 3F3, ये 3F3, सॉरी FFF, ठीक है। क्लोरीन आएगा बेटा, क्लोरीन क्या करेगा, थोड़ा और रिपल्सन बढ़ाएगा, ठीक है, ये Cl, ये Cl, Cl, क्योंकि साइज बड़ा है। देन हमारा ब्रोमीन आएगा तो साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, सबसे ज़्यादा ब्रोमीन के साथ, ये Br3 है बेटा, ठीक है, ब्रोमीन के साथ। देन सबसे कम आएगा PF3 के साथ, फाइन। फिर हमारा OF2OCl2, ठीक है। जैसे जैसे साइड एटम का साइज बढ़ रहा है बेटा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एंगल किसका ज़्यादा आना चाहिए, OCl2 का, ठीक है। तो समझ में आया, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ बॉन्ड एंगल किसका बड़ा हो, बड़ा होगा OCl2 का, ठीक है, क्योंकि साइड एटम कैसा है, बड़ा है साइज में, ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा होंगे। अब बताओ जरा H2O OF2 OCl2 क्या ऑर्डर आना चाहिए, हाइड्रोजन से बड़ा फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, आपका लॉजिक बोलेगा ये आना चाहिए, ठीक है, आपका लॉजिक क्या बोलेगा, ये आना चाहिए। लेकिन ध्यान दो जरा बेटा, यहाँ पे अगर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या आया, ठीक है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या है, ये वाला ऑर्डर क्या है, गलत। अब देखो जरा स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं बेटा, ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे दो ये होंगे, लेकिन ऑक्सीजन बीइंग वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बहुत क्लोज टू ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरिन के केस में देखो जरा, ये ऑक्सीजन, दो लोन पेयर, ये फ्लोरिन, ये फ्लोरिन, इसके इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ रहे होंगे, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ रहे होंगे, तो रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया, तो जो ऊपर से लोन पेयर का धक्का आ रहा था इसको क्या कर देगा, पास पास कर देगा बेटा, इसको पास पास ले आएगा, तो बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा होगा बेटा, यहाँ देखो वेरी हाई रिपल्सन, यहाँ वेरी हाई रिपल्सन, वेरी हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट हमारा बोल रहा था साइज के अकॉर्डिंग, सेंटर एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, ठीक है, तो साइड एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर भी तो कंसिडर करने हैं ना। तो क्या होता है, ऑर्डर आपका, सॉरी इसको लिखा रहने दो, ऑर्डर आता है आपका OF2 से ज़्यादा H2O का, से ज़्यादा OCl2 का, ठीक है, ऑर्डर बॉन्ड एंगल का ये आता है, तो याद रखेंगे। अब सर हमें कैसे याद रहेगा, पढ़ने से याद रहेगा बेटा, ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मस्त याद रहेगा, और जितना ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतने ही जल्दी एग्जाम में रिकॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देख लो जैसे जैसे साइड एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, CO2, CO Cl2, CO Br2, ABC, θ1, θ2, θ3, जैसे जैसे साइड एटम का साइज बढ़ता है बॉन्ड एंगल बढ़ता है, यानी हमारा θ3 सबसे ज़्यादा हुआ, देन θ2, देन θ1। अब हम जानते हैं कि थीटा जैसे जैसे कम होगा ABC की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी, तो θ3 सबसे ज्यादा तो C की वैल्यू सबसे कम बेटा, तो C सबसे कम, उससे बड़ा B, सबसे ज्यादा A, ये तीनों का ऑर्डर लगा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। जैसे जैसे ये वाला एंगल चेंज होगा वैसे वैसे इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका NF3 NCl3,
कौन सा बड़ा होगा बॉन्ड एंगल बेटा? एग्जैक्टली NCl3 का बड़ा होगा क्योंकि साइड एटम बड़ा है। ठीक है, बना के भी देख ही लो बेटा, ये लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन है, तीसरा फ्लोरीन, ठीक है। NCl3, एक ये सीजन बड़ा था, ठीक है, ये दूसरा सीजन, ये तीसरा सीजन, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका NH3, NF3, NCl3, फिर से हो गया बेटा, जो अभी मैंने आपसे के साथ एक्सप्लेन किया था वो यहाँ भी लगता है, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन वाला आगे आ जाता है बॉन्ड एंगल में, NF3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 होता है बेटा, NH3 से ज्यादा NCl3 का, इसका लिखता होता है 107 डिग्री, ठीक है। इसका NF3 का 107 से कम हुआ, अगर क्वेश्चन में आ भी जाए तो NH3 का, NF3 का 107 से कम हुआ और NCl3 का 107 से ज्यादा होगा। ऐसे कई बार ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट आपको एग्जैक्ट वैल्यू रख के दे देगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने रहेंगे, NH3 का आपको पता होता है NH3 का, तो ऐसे ऑप्शन देखना जहां पर NH3 का 107 से कम हो, NCl3 का 107 से ज्यादा दे रखा हो, ठीक है। तो वो एग्जाम में क्या है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं करता है, एग्जाम में इतना जानता है कि आपको NH3 का पता होना चाहिए, ठीक है। NH3 का, NCl3 का ऑप्शन ही ऐसे बनाएगा, अगर आपको इसका पता है तो इनके अरे हो जाएगा अपने आप, ठीक है। PH3, PCl3, ये क्वेश्चन बेटा मैंने तो सुना है, बताओ देना जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, वही होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन जैसा क्यों होगा, आपको लगना चाहिए कि ये वाला यहाँ आ जाएगा जैसे नाइट्रोजन के साथ हुआ, नहीं बेटा, नाइट्रोजन वाले केस में बेटा ये हाइब्रिड था, SP3 हाइब्रिड से सारे सारे, क्या थे, SP3 हाइब्रिड, यहाँ पे ये दोनों सिर्फ SP3 हाइब्रिड है, ये दोनों क्या है, SP3 हाइब्रिड, ये तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ड्रैगो रूल याद करता हूँ, ड्रैगो रूल ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, 109 के आसपास होंगे, ठीक है, कोई ज्यादा हो कोई कम हो, क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे आपको PH3 को आगे नहीं पहुंचा देना है, समझ रहे हो, PH3 को आगे नहीं पहुंचाना है, क्यों नहीं पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ ड्रैगो रूल लगता है, क्या लगता है, ड्रैगो रूल बेटा, ड्रैगो रूल, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल क्या होता है, थर्ड पीरियड या उससे नीचे का अगर कोई सेंट्रल एटम है और साइड एटम की एन 2.5 के बराबर या उससे कम है तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला केस समझ में आया? बढ़िया बेटा, मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मजा आएगा, ठीक है, सब कुछ याद रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बार बार, नोट्स रिवाइज करोगे, सब कुछ याद रहेगा एग्जाम टाइम पे। अब आता है एक चीज होती है बेटा, रेगुलर ज्योमेट्री नाम की चीज होती है, रेगुलर ज्योमेट्री इज व्हाट, रेगुलर ज्योमेट्री ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, नो लोन पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर, सभी के सभी बॉन्ड पेयर, ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड टाइप सेम है, यानी कि डबल बॉन्ड है सारी साइड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सारी साइड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, साइड एटम सारे सारे सेम है, और बॉन्ड लेंथ विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ सभी की सभी सेम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा रेगुलर ज्योमेट्री का बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है, उनके बॉन्ड एंगल कैसे आते हैं, सेम आते हैं, इतना कुछ बताने का लॉजिक, बस इतना बताना था बेटा कि मॉलिक्यूल्स विद सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड रेगुलर ज्योमेट्री विल हैव सेम बॉन्ड एंगल, विल हैव सेम बॉन्ड एंगल, और रेगुलर ज्योमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, रेगुलर ज्योमेट्री होने के लिए ये पॉइंट होना चाहिए आपके पास, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बॉन्ड पेयर सारे होने चाहिए, सारे सारे बॉन्ड पेयर होने चाहिए, ठीक है, बॉन्ड टाइप सभी का सेम होना चाहिए, सिंगल है सिंगल, डबल है डबल, साइड आइटम कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और विद इन मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करके बताओ जरा साथ साथ में, PCl5, PCl5 आपका रेगुलर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है कि नहीं होता, साइड एटम सारे सारे सेम है, साइड एटम कैसे हैं, सेम है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है, ठीक है, साइड एटम सेम है, लोन पेयर नहीं है, और क्या पॉइंट थे, बॉन्ड टाइप सेम है, सारे सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा, सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है, सारे सारे बॉन्ड पेयर है। अब लास्ट पॉइंट बचा बेटा, विदिन मॉलिक्यूल आपकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, यही नहीं होती बेटा, PCl5 का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है बेटा,
ट्राइंगुलर बाइक्रेमेटल एसपी थ्री डीजोमेट्री, एसपी थ्री डीजोमेट्री ठीक है, एसपी थ्री डी इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है ठीक है, एसपी थ्री डी इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइंगुलर बाइक्रेमेटल बना होता है, ये फास्फोरस, ये तीन सीएल सीएल सीएल, ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल सीएल है। एक्सियल सीएल की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है। पी सी एल एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन, यहाँ पे बेटा मेरे पीछे आ जाएगा, थोड़ा कहीं और लिखते हैं। पी सी एल एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन पी सी एल इक्वेटोरियल, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती, यहाँ बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, क्लियर। अभी ये रेगुलर ज्योमेट्री मैंने क्यों पढ़ाया, आगे एक एग्जांपल मस्त समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सी एन एन डी टू रेजोनेंस, ऑल बॉन्ड्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जितने आपके ऑक्सी ऑक्सी एन आयन थे बेटे, सल्फेट हुआ, परक्लोरेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, ये जो आपके ऑक्सी एन आयन है, इनमें रेजोनेंस होने की वजह से उनके सारे सारे बॉन्ड में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, ठीक है। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस ऑफ सारी सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो कोई डबल बॉन्ड है, कोई सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से वो सारे सारे बॉन्ड लेंथ कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, और सभी सभी बॉन्ड एंगल भी कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है, रिपल्सन के कारण अलग अलग बॉन्ड एंगल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि रेजोनेंस का फिनोमेना है, सारे सारे बॉन्ड सेम कर दिए तो रिपल्सन भी सबके बीच में सेम हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल भी उनके कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कार्बोनेट आयन है बेटा, कार्बोनेट आयन कैसा होता है बेटा, जल्दी बताओ एक बार फिर से आप लोग को सिखाएंगे बेटा। कार्बन में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में चार, ठीक है, दो आ गए, ये हो गए छह, दो ऑक्सीजन कैसे जुड़ते हैं बेटा, जल्दी बताओ। ये वाला पैटर्न छोड़ो, ये वाला पैटर्न पिछली बार के लिए ठीक था, अब डायट हमको स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगी चीजों को। अब लोग डायट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसको पीछे सारे सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा ठीक है बेटा, पीछे जाके सही से समझ लेना स्ट्रक्चर कैसे शो होता है। ये रहा हमारा कार्बन ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एसपी टू हाइब्रिड होता है ठीक है, ये हो गया। अब देखो तुम्हें रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस होता है ये नेगेटिव आपका यहाँ आता है बेटा, और ये यहाँ चला जाता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। एक और बार अगर कराएं तो देखना, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो एक और कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ऐसा बनेगा। तो देखो, सबको बराबर का मौका मिल रहा है बेटा डबल बॉन्ड रखने का, ठीक है, सबको बराबर का मौका मिल रहा है डबल बॉन्ड रखने का, ठीक है। तो एक फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनता है, फाइनल स्ट्रक्चर बनता है बेटा ऐसा, थोड़ा साइड से कर दो। फाइनल स्ट्रक्चर बनता है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसका सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएंगी, सेम। सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम। अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो बेटा, तो ये बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए था, कम। ये वाला बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि पाई बॉन्ड, सॉरी, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के वजह से सारे सारे बॉन्ड में सेम कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, ठीक है। तो सारे सारे बॉन्ड लेंथ कैसी होंगी बेटा, इक्वल होंगी। बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये सारे सारे बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन के 120 डिग्री होंगे, ठीक है। और सारी सारी आपस में बॉन्ड लेंथ आपकी बराबर होगी, ठीक है। ऐसी सल्फेट बेटा, सल्फेट कैसा होता है, सल्फेट हमारा ऐसा होता है एसपी थ्री हाइब्रिड, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस एक करके दिखा देता हूं मैं, ये ऐसे आएगा, मान लो ये वाला यहां चला गया, तो रेजोनेंस के बाद कैसा बनेगा, ये ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टाइम ये आएगा, मान लो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आपस में ऐसे रेजोनेट करते रहते हैं कि सारे सारे बॉन्ड्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है, सबके बॉन्ड एंगल सेम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देख के अगर कोई एक नूब बच्चा बोलेगा, जिसने सही से केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा होगा, वो बोलेगा ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है, ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा और कम होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है,
ये सबसे कम होने चाहिए, क्यों? मल्टीपल सॉरी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है, नहीं होता है बेटा, क्योंकि रेजोनेंस के वजह से सभी के सभी बॉन्ड्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है? सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है, सबका बॉन्ड एंगल सेम हो जाता है, ठीक है? तो इसकी एक्चुअल कैसा बनता है बेटा, कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक सभी बॉन्ड्स में आ जाती है, ठीक है? और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है? परफेक्ट, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट आपका परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन कैसा होता है जल्दी जल्दी बताओ बेटा, परक्लोरेट आयन ऐसा होता है, ठीक है? परक्लोरेट आयन में रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा बेटा, तो परक्लोरेट आयन में रेजोनेंस अगर हुआ तो ऐसा बना बेटा, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे बार बार रेजोनेंस होता रहेगा, सभी के सभी बॉन्ड्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, तो फाइनल रेजोनेंस फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, सी एल ओ ओ ओ ओ, ठीक है? ये आ गए, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड सभी में कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, बॉन्ड एंगल कितना होगा सभी में, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, परफेक्ट। और सारी सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, बराबर होगी। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है? फॉस्फेट आयन बेटा, फॉस्फेट आयन कैसा बनता है, सबसे पहले पी डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, ठीक है? इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, सबको एक एक बार ही मौका मिलेगा बेटा, सब लोग अपना अपना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है? नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम मान लो ये वाला कर देगा बेटा, ये वाला कर देगा, यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे आपका बार बार रेजोनेंस होता रहेगा और सभी सभी बॉन्ड्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा, ये रहा फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा बेटा, सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है? ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है? और सारी सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, सारी सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, सेम। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है? और बॉन्ड ऑर्डर देख के ही पता चल जाएगा इनकी बॉन्ड लेंथ सेम आती है, क्योंकि सभी के सभी बॉन्ड्स का सेम बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है? अब कंपेयर करो बेटा सभी का बॉन्ड एंगल, अभी हम लोग देख कर आए बेटा, सबके सब कैसे हैं, sp3 हाइब्रिड हैं, सबके सब कैसे हैं, sp3 हाइब्रिड हैं, sp3 हाइब्रिड हैं, और साथ साथ रेजोनेंस की वजह से सबके सभी बॉन्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री में आ गया बेटा। रेगुलर ज्योमेट्री के पॉइंट्स क्या थे बेटा, रेगुलर ज्योमेट्री के पॉइंट्स थे, रेगुलर ज्योमेट्री पॉइंट है बेटा, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है? नो लोन पेयर, सभी सभी बॉन्ड पेयर हो, सभी सभी बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, ठीक है? आपके सेम टाइप के बॉन्ड हो सभी सभी, ठीक है? वो भी है। साइड आइटम आपके कैसे हो, सेम हो, वो भी है। और बॉन्ड लेंथ भी कैसी हो, सेम, वो भी बॉन्ड लेंथ हमें कैसी दिख रही है, सेम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनका सेम है। तो ये कैसे है बेटा, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ठीक है? तो रेगुलर के बारे में एक बात क्या बताई थी, सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले रेगुलर स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड एंगल कैसा होता है, सेम। तो इसका बॉन्ड एंगल किसके बराबर, 109 डिग्री 28 मिनट, क्लियर है बेटा? परफेक्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल आएगा, फाइन, क्योंकि सबके सब कैसे हैं बेटा, रेगुलर ज्योमेट्री वाले बेटा, रेगुलर रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा आपका NO2 पॉजिटिव, NO2 NO2 नेगेटिव, ठीक है? तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, ये हो गया बेटा, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आ गया बेटा, ये हो गया आपके तीनों स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड एंगल इसका कितना आएगा, 180 डिग्री, इसका कितना, ये क्या है, sp2 हाइब्रिड बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना पिछले लेक्चर में, अगर नहीं याद आ रहा तो उसको जाके बैक करके देखो, ठीक है? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, देन सिंगल लोन पेयर का रिपल्सन है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा रहेगा, और दो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, बॉन्ड एंगल थोड़ा और कम हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला बेटा, CLO2 CL सॉरी, ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुकना,
CLO2 नेगेटिव, OCl2, ठीक है, CLO2 नेगेटिव, OCl2, ये वाला क्वेश्चन करो, जरा दिमाग लगाओ, सबके स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बेटा। CLO2 कैसा बनेगा बताओ, बताओ जरा। CLO2 के बारे में खास बात है बेटा, जरा याद है कुछ आपको? CLO2 के बारे में खास बात है, CLO2 आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है बेटा। कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसमें एग्जिस्ट करता है वो है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा? SP2। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? SP2। OCl2 नेगेटिव कैसा है बेटा? Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दो लोन पेयर, ठीक है, डबल बॉन्ड हो नहीं होता बेटा, थोड़ा रुकना, ये होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है बेटा, दो लोन पेयर यहाँ, ठीक है, ये होता हमारा CLO2 नेगेटिव। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? SP3। OCl2 कैसा होगा बेटा? ऑक्सीजन, दो लोन पेयर, Cl Cl, ठीक है, ये भी हमारा SP3। अब बताओ SP2, SP3, SP3, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होना चाहिए? डेफिनेटली इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा इंपॉर्टेंट है OCl2 का, ठीक है, सॉरी CLO2 का हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बेसिकली अगर बोलूँ, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कौन सा होगा बेटा? ठीक है, देखो सेंट्रल एटम पे दो लोन पेयर दोनों में है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है बेटा, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है बेटा, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हो जाएगा? इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा हमारा CLO2, CLO2 नेगेटिव, देन OCl2, सबसे कम OCl2 में। क्लियर है बात? ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइपोल मूवमेंट। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, डाइपोल मूवमेंट जहां जहां ना आने वाला है आपका, वो सारा सारा कवर करेंगे, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है बेटा? ठीक, देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा आपका? डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्जेस आ रहे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से जो पार्शियल चार्जेस आ रहे होते हैं वो डाइपोल क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके मूवमेंट को हम लोग डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक मीजरमेंट होता है पोलैरिटी का, किसी मॉलिक्यूल में अगर डाइपोल मूवमेंट है तो पोलर है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? देखो बेटा, डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, इसकी डायरेक्शन भी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई म्यू, यूनिट इज डिवाइड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई म्यू, यूनिट इज डिवाइड। अगर दो एटम्स के बीच में डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो डाइपोल मूवमेंट म्यू बराबर क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? पार्शियल चार्जेस, डी क्या है? डिस्टेंस उनके बीच की, ठीक है, डिस्टेंस बोलो या शॉर्टेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है बेटा। 1 डिवाइड इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट सेंटीमीटर, या 3.33 × 10⁻³⁰ कूलाम्स है, कूलाम मीटर, ठीक है। 1 कूलाम इक्वल टू 10⁻⁹ ES। ये सारा सारा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है बेटा, किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैट का, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हर सर आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारा अगर म्यू जीरो हो बेटा तो उनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और डिजोल्व किस में होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, लिपिड्स वगैरह में, फैट वगैरह में। अगर म्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो बेटा, उनको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। लाइक डिजोल्व लाइक की थ्योरी याद है ना, पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, ठीक है। अब देखो जरा, अगर दो म्यू है बेटा, एक म्यू ये है, एक म्यू ये है बेटा आपका, एक म्यू ये है, इनके बीच में दो एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो हमें याद है दो वेक्टर क्वांटिटीज जो आपकी थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड, उनका रिजल्टेंट कैसे आता था? μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1μ2 cos थीटा, ठीक है, प्लस 2μ1μ2 cos थीटा, होल का अंडर रूट, ये हमारा म्यू रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर का पार्ट है आपका, वेक्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो हो जाएगा, और अगर नहीं भी आता है तो कोई बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कम तो रिजल्टेंट ज्यादा, ठीक है, रिजल्टेंट ज्यादा, पोलरिटी ज्यादा, पोलरिटी ज्यादा तो वो मॉलिक्यूल पोलर ज्यादा होगा, पोलर ज्यादा होगा तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये बात हमें यहां से कन्वे करनी थी, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो वेक्टर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट फाइंड द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर अगर जिसको बनाने नहीं आते उसको यहां दिक्कत आएगी बेटा। एक यहाँ डाइपोल मोमेंट, एक यहाँ डाइपोल मोमेंट बेटा, तो दोनों दोनों ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, नॉन पोलर, ठीक है। बी सी एल थ्री बेटा, बी सी एल थ्री ट्राइगोनल प्लेनर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, तीनों इक्वल वेक्टर बेटा, ठीक है। कट गए, म्यू इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तीनों के तीनों 120 डिग्री पे एक दूसरे के हैं, ठीक, तीनों एक दूसरे को काट देंगे, इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है। फिर आता है पी सी एल फाइव बेटा, PCL5 का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी बेटा, कैसा बनता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर। जिसको नहीं आते हैं वो फैल जाएगा बेटा, यहाँ वो फैल जाएगा, ठीक है। एक ये ठीक है, ऊपर नीचे के एक्सियल एक्सियल कट गए, ठीक है। तीन इक्वेटोरियल है बेटा, तीन इक्वेटोरियल अभी हल काट के आए हम लोग BCL3 में, ये भी कट गए, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। ये भी कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। CH4, CF4, SiCl4, SnCl4, ये सारे सारे कैसे हैं, sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल, ठीक है। कैसे बनेगा बेटा, CF4 को बना लेते हैं, CH4 सबका म्यू होगा बेटा कुछ ना कुछ, सबके सब म्यू क्रिएट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। ये तो तब का रिजल्टेंट कैसा है, जीरो। तब का रिजल्टेंट कैसा आएगा, जीरो, ठीक है। तो ऐसे CH4 में होगा CF4, SiCl4, SnCl4, ठीक है। साइड साइड कार्बन सभी का ऐसे भी सुनो पार, ठीक है। साइड साइड कहते हो नॉन पोलर बेटा, कहते हो नॉन पोलर, ठीक है। वाटर जो नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका IPL7, IPL7 का हाइड्रेशन कैसा होगा बेटा, याद करो sp3d3 कैसे आया बेटा, लो मैं बता देता हूँ। आई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आखिर में, सात होंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक आई, एक Cl, 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 ठीक है। ये सात Cl यानी सात सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा। सात सिग्मा बॉन्ड में क्या था, sp3d3, ठीक है। सात सिग्मा बॉन्ड में क्या था, sp3d3। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कहता हूँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है बेटा। ये आयोडीन है, ये सीएल 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 सीएल, ठीक है। ये हमारे एक्सियल वाले हैं बेटा, ये एक्सियल, ये हमारे सारे सारे इक्वेटोरियल हैं, ठीक है, क्लियर। ये सारे सारे हमारे इक्वेटोरियल हैं। डाइपोल मोमेंट देख लो बेटा, ये ऊपर वाले एक दूसरे का काट देंगे बेटा, ठीक है। और प्लेन वाले जो पेंटागन है आपका, पेंटागन वाले सारे एक दूसरे का काट देंगे, ठीक है। ये भी कट जाएंगे, ठीक है बेटा। डाइपोल मोमेंट सारे सारे कट जाएंगे। म्यू का तो कितना है, जीरो, नॉन पोलर, ठीक है बेटा। PCl3F2, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका स्ट्रक्चर किससे पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, बेंट रूल से बनाना पड़ा था, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें कहाँ रखना है, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। एफ एफ सी एल सी एल सी एल, ठीक है। एक ये होगा बेटा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक, ये होगा, एक ये होगा। अब ऊपर ऊपर वाले काट देंगे एक दूसरे को, ठीक है, और प्लेन वाले काट देंगे, तो इसका म्यू कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। इसका म्यू कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आपका PCl2F3, PCl2F3 कैसे बनेगा, फॉस्फोरस बनाओ सबसे पहले, एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन जोड़ दो, ठीक है। एक फ्लोरीन बच गया, उसको इक्वेटोरियल पे जोड़ देंगे, ठीक है। दो क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लियर है। अब हमारा देखो जरा बेटा, एक ये और इसके ऑपोजिट ये दोनों कट गए आपस में। अब एक ये है, एक क्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये है। अब नहीं कटेंगे बेटा, दो क्लोरीन की कोई गारंटी नहीं है फ्लोरीन को काट पाएंगे। तो यहाँ पे म्यू कैसा आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। कैसा मॉलिक्यूल है ये, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर है। PCl2F3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आपका HCO3F2, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओ बेटा, sp3d स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3d होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक्सी डबल बॉन्ड ओ, इक्वेटोरियल में सारे सारे कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड, ये एफ हमारे,
ठीक है, ये कट गया इससे, ये दोनों कट गए, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तीनों 120 डिग्री पे हैं सेम प्लेन में, ये भी कट गए, म्यू इक्वल टू 0, ठीक है, नॉन पोलर। नेक्स्ट आपका एक्स सी ओ टू एफ फोर, ठीक है, एक्स सी ओ टू एफ फोर, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बेटा, 4 2 6 एस पी थ्री डी टू, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल बनाओ एक्स सी, ठीक है, एक स्क्वायर बना दो, ठीक है, सबके सब एफ जोड़ दो इस पे, दो हमारे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनको ऊपर नीचे जोड़ देंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से कट गया, इस फ्लोरिन का इससे कट गया, इस फ्लोरिन का इससे कट गया, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू कितना है बेटा, 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्स सी एफ फोर, इसका सोच के बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, इसके पास अभी दो लोन पेयर बच रहे हैं ना, दो लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर, 4 2 6 एस पी थ्री डी टू बनाओ बेटा, ये हमारा एक्स सी हो गया बेटा, चार फ्लोरीन, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, ठीक है, लोन पेयर का भी अपना डायपोल मोमेंट होता है बेटा, ये कट गया इससे कट गया, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट दिए, फ्लोरीन इस फ्लोरीन काट दिया, ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन काट दिया, तो म्यू इक्वल टू कितना है बेटा, 0, ठीक है। एक खास बात बता दूं बेटा, किसी मॉलिक्यूल में अगर एक ही लोन पेयर है, अगर एक ही लोन पेयर है तो उसका डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, उसका डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं आएगा, अगर एक ही लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो एक्स सी एफ टू, अभी इसके पास तीन लोन पेयर है बेटा, अभी इसके पास तीन लोन पेयर है, तो कैसा आएगा बेटा, 3 2 5 एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी आएगी बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक, टीवी पे आएगी, लेकिन शेप कैसा आएगा, लीनियर बेटा, शेप कैसा आएगा, लीनियर, क्योंकि तीनों के तीनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज हो जाएंगे बेटा, तीनों तीनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल, और फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा, एक्सियल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं बेटा मैं, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगी, शेप की बात करूं बेटा मैं, तो लीनियर आएगा, कैसा आएगा, लीनियर, शेप कैसा आएगा, लीनियर, ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट बेटा, ये तीनों आपस में काट देंगे, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन काट देगा, तो म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीओ टू, सीओ टू कैसा बनता बेटा, लीनियर एस पी हाइब्रिड, ठीक है, एक यहाँ की तरफ, एक यहाँ की तरफ, तो म्यू इक्वल टू कैसा आया, 0, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, ठीक है। अब एक नोट है बेटा, जैसे वी शेप हो, जैसे वाटर या एसओ टू में, टी शेप हो आईसीएल थ्री में, सीसो शेप हो एसएफ फोर में, पिरामिडल हो ट्राइगोनल पिरामिडल एनएस थ्री में, स्क्वायर पिरामिडल हो आईसीएल फाइव में, डिस्टॉल्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल हो बेटा उसको एक्सीएफ6 में, ये इन मॉलिक्यूल में कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, क्यों नहीं होता, सारा सारा बना के दिखाता हूँ बेटा मैं, देखो जरा, जैसे मैं बोलूँ वी शेप में, वी शेप आपका H2O में दिखता है बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो लोन पेयर, ठीक है, और लोन पेयर हमारे शेप में दिखते नहीं है, ठीक है, लोन पेयर हमारे शेप में दिखते नहीं, तो कैसा दिखा, वी शेप बेटा, ठीक है, वी शेप दिखा, लेकिन ध्यान दो लोन पेयर का भी तो कुछ होगा ना बेटा, ये दोनों मिलके म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वाटर तो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है वो तो हम जानते हैं, एसओ टू देखो बेटा, एसओ टू सल्फर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, अगर एक लोन पेयर है बेटा, अगर एक लोन पेयर है तो नेवर म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 0, कभी भी आपका वो नॉन पोलर नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐड करो टी शेप किस में था बताओ जरा, आईसीएल 3 में बेटा, आईसीएल 3 में कैसा था, टी शेप था, टी शेप कैसे बना था, आयोडीन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर सीएल, एक ऊपर सीएल एक नीचे सीएल, ठीक है, ये बन गया, ये कैसा है, टी शेप है बेटा, इसमें भी एक ये डाइपोल है, एक ये डाइपोल है, ये वाला और ये वाला ऊपर नीचे वाला कर गया बेटा, ये डाइपोल, ठीक है, ये तीनों जो इक्वेटोरियल प्लेन में बैठे, जो आपके इक्वेटोरियल प्लेन में तीनों के तीनों मिलकर डाइपोल देंगे,
इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया टी शेप की बात बेटा, टी शेप हो गया, वी शेप हो गया, सीसो शेप। सीसो शेप किसमें देखने को मिलता है? एसएफ फोर में। सीसो शेप देखो बेटा, सीसो शेप कहते हो एसएफ फोर में कितना ए नोन कर जाएगा बेटा। ठीक है, ऐड करो एसएफ फोर, देखो एसएफ फोर देखो बेटा, एक लोन पेयर है, चार बॉन्ड पेयर, एसपी थ्री डी ज्योमेट्री होगी बेटा, बड़ा हो जाएगा सल्फर, एक लोन पेयर। ठीक है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है, एक ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन। तो देखो सीसो पे दिख रहा है आपको, ये सीसो दूध लग रहा है, जो बच्चे गार्डन में दूध रहे सीसो बना के, वो सीसो दिख रहा है वही है। ठीक है, तो सीसो से देखो इसका कुछ आएगा यहाँ पे, इसका इससे कट जाएगा, इसका कुछ यहाँ आएगा, इसका कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, तो नेवर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है ट्राइगोनल पिरामिडल बेटा। ट्राइगोनल पिरामिडल जैसे एनएच थ्री बेटा बनाओ, नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी एस पी थ्री हाइड्रोजन कैसा, एस पी थ्री सेम कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल क्या था आपका, आइडियल पाई। स्क्वायर पिरामिडल देखो बेटा, स्क्वायर पिरामिडल कैसा था बेटा, शेप क्या था बेटा आपका, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, क्लियर। स्क्वायर पिरामिडल कैसा था, आइडियल पाई। ठीक है, आइडियल पाई में एक लोन पेयर बन गया, तो देखो आइडियल हाइब्रिडाइज क्या होगा, sp3 d2, sp3 d2 हाइब्रिडाइज याद आ रहा है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, पांच बॉन्ड पेयर एक सिग्मा, सॉरी एक लोन पेयर, तो छह की वैल्यू क्या है, sp3 d2। ठीक है, एक सीएल यहाँ, चार आपके प्लेन में, ठीक है, चार आपके प्लेन में, और यहाँ पे आता है लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर, लोन पेयर नंबर सेल में दिखाई नहीं देता बेटा, लोन पेयर नंबर सेल में दिखाई नहीं देता, तो ये सेल कैसा है आपका, स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो जो लोन पेयर है बेटा आपका, ये भी तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट एंटर करेगा, ये इसका कार्ड देगी, ये इसका कार्ड देगी, यहाँ आएगा कुछ, तो लोन पेयर का बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फिर भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी पोलर मॉलिक्यूल में आएगा। ठीक है, आपका एक और था डिस्टॉर्टेड ऑक्टर एडर बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टर एडर का एग्जाम्पल क्या है, HCF6। ठीक है, HCF6 यानी डिस्टॉर्टेड ऑक्टा हेड्रल, इसी को क्या बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टा हेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था, कैप्ड ऑक्टा हेड्रल भी बोलते हैं। इसका सेल कैसा होता है, इसके बाद एक लोन पेयर है, ठीक है, इसका सेल बनता है एक्स लगभग, ये सारे सारे फ्लोरीन बोलते हैं, यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर बीच में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं है, लोन पेयर अगर एक लोन पेयर आ गया तो आप कभी भी आपका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें जितनी अभी मैंने बताई, टी शेप, वी शेप, सीसॉ शेप में। ट्राइगोनल पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नेवर नॉन पोलर, यानी इनका म्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो है, हमेशा ही पोलर होंगे, ऑलवेज पोलर बेटा, ऑलवेज पोलर। ठीक है, क्लियर है, ये सारी सारी ज्योमेट्री में से कैसे आएंगे, ऑलवेज पोलर के फॉर्म। कंपेयर म्यू, म्यू कंपेयर करो बेटा, इतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट अभी मैं बना के दिखा सकता हूँ, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये लोन पेयर हमारा खींचेगा, ठीक है, ये लोन पेयर खींचेगा, फ्लोरीन लेगा बेटा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ एक एरो ऊपर की तरह है बेटा, ठीक है, एक एरो नीचे की तरह है, तो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ एक एरो ऊपर है, नीचे से भी एक एरो, इन तीनों का समीशन, तीनों का समीशन, तो एडिशन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एडिशन। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा आएगा, NH3 का इंस्टेड ऑफ NH3। ठीक है, अब कंपेयर मीन से बनाओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है सेल बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल। ठीक है, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ कटेगा, ठीक है, म्यू प्लस टू जीरो आया। ठीक है, ये बेटा
ये बन गया स्टेप 3 नंबर, ठीक है। तो बताओ सबसे ज्यादा डायरेक्ट मूवमेंट किसमें आएगा, सबसे ज्यादा डायरेक्ट मूवमेंट आएगा ये जो प्रॉपर लोन पेयर है, प्रॉपर लोन पेयर है, ठीक है। ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम सबसे कम या जीरो इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इसके बाद ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है बात। लोन पेयर सबसे ज्यादा इम्पार्ट करेगा डायरेक्ट मूवमेंट, इसमें CH4 NH3 H2O जितने ज्यादा लोन पे उतने ज्यादा डाइपोल मोमेंट बेटा, इसीलिए वाटर आपका पोलर होता है, सबको बोल देता हूँ अपने अंदर, ठीक है। ये तो म्यू पर कुछ जो है ना CH4 हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक है, साइड एटम सारे सारे थे। अब देखो कुछ डेटाबेस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से डाटा एक्सट्रैक्ट करा गया है, जो डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर दिए गए हैं वो ये है। H2O का डाइपोल मोमेंट आपका एच से ज्यादा होता है, H2O2 का वाटर से ज्यादा होता है, NH3 का pH3 से ज्यादा होता है, H2O2 का H2S से ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो हमारे डाटाबेस ऑर्डर है एनसीईआरटी हमने एक्सपेक्ट करें, ठीक है। अब देखो म्यू को आप कंप्लीट इन सबको मिला के ऑर्डर बनाए के साथ रखें, सबसे ज्यादा H2O2 का, उससे कम H2O का, उससे कम HF का, सबसे कम NH3 का, ठीक है, ये कंबाइंड ऑर्डर है। और सेम ऑर्डर बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट का भी होता है, सेम ऑर्डर इनका बॉइलिंग पॉइंट का भी होता है, क्लियर है। याद रखेंगे अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे, नोट्स कंटिन्यूअसली मेंटेन करो पढ़ने के लिए दोबारा, ठीक है। फिर आता है आपका ये देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है, sp2 हाइब्रिड है, ये कैसा है ट्रांस कॉन्फिगरेशन है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, ये आपका सिस कॉन्फिगरेशन है। अब ध्यान देना ये यहाँ हो जाएगा बेटा, ये वाला टाइप होगा तो यहाँ हो जाएगा, तो म्यू कैसा आ जाएगा जीरो, क्योंकि ये इसको काट देगा, ठीक है। यहाँ देखो ये वेक्टर सम एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू प्लस टू म्यू वन म्यू टू और थीटा, ठीक है, अंडर रूट। तो यहाँ म्यू कैसा है नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ कॉन्फिगरेशन में देखा म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कोई थंब रूल नहीं बेटा कि सिर्फ कॉन्फिगरेशन हमेशा म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा और ट्रांस कॉन्फिगरेशन हमेशा म्यू नॉट म्यू इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो ये कोई थंब रूल नहीं है, देखो समय समय के हिसाब से चीजें बदल जाएंगी, आपको हमेशा क्या करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, वो आपको ऐसे लेके दे सकता है बेटा। ट्रांस CH ट्रांस C2H2Cl2 C2H2Cl2, अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आता तो कैसे बताओगे मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखो बेटा ये डाइपोल वेक्टर, ये हमारा ये इसका ये आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बेटा दोनों वेक्टर का एडिशन, ठीक है, सेम डायरेक्शन है बेटा, कैसा सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो वैल्यू कैसी आएगी म्यू की ज्यादा, यहाँ कुछ एंगल बन जाएगा बेटा, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, कुछ थीटा पे, तो एडिशन तो यहाँ भी होगा लेकिन कुछ थीटा पे, तो म्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन ज्यादा कैसे आएगी इस बारे में, ठीक है, क्लियर है बात। थोड़ा सा साइड से खिसका देता हूँ उसको, सब लोग छापते रहो बैठ कर जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी छापो उसको, छापो छापो, ओके, आप रहे ना साथ साथ वीडियो पॉज करके साथ साथ टीप लिया कर, ठीक है, नोट मेंटेन करने को ना के, और जो लोग नोट मेंटेन नहीं करते हैं उन महानुभाव के लिए बेटा इसका लेक्चर प्लान LP लोन पे नहीं है लेक्चर प्लान वाला LP, ठीक है, LP उनके लिए LP, जैसे ही ये लेक्चर हमारा YouTube पे आउट होगा उनके लिए LP हमारे टेलीग्राम चैनल नीटेरो पे, टेलीग्राम चैनल नीटेरो पे मिल जाएगा ये लेक्चर प्लान, डिजिटल लेक्चर प्लान, ठीक है। तो जिसको नोट नहीं हुआ उनको लेक्चर प्लान यूज कर लेना, लेकिन मैं तो बोलूंगा आप साथ साथ मिलता नोट मेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका वही है बेटा हाइड्रोजन देता है कि दो लोन पे खींचेंगे डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा बहुत ज्यादा हाई, यहाँ उल्टा चल रहा है बेटा थोड़ा सा सीन, सबट्रैक्शन से म्यू कैसा हो जाएगा कम, तो म्यू ज्यादा किसका आएगा H2O का, ठीक है। अब एक चीज देखो मैं अभी हाइड्रोजन को बता रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो हाइड्रोजन इस तरफ से बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का क्या है आइसोटोप बेटा ट्रिटियम के ड्यूटेरियम,
ये ड्यूटेरियम, ठीक है, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये फ्लोरीन खींच रहा है सब जगह, ठीक है। अब देखो जरा, एक ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ट्रिटियम की होती है, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन की, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कैसा है, सबसे ज्यादा इसका है, देन इसका है, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था, जिसने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैराथन कंप्लीट किए उसको बताया, ठीक है, लास्ट ईयर। इसको देख लो बेटा, CH3 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 CH3, यहां से इंटरेक्ट में नाइट्रोजन, यहां फास्फोरस है, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब होता क्या है, जैसे देखो ध्यान देना, ये आया, ये आया, ये आया, और ये गया, ठीक है। सिमिलरली यहां भी आया बेटा, यहां भी आया, यहां भी आया, ये गया। इसका ये वेक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा होता है, बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो डाइपोल मूवमेंट कैसा है, ज्यादा आएगा। वेरी गुड, ये बात तो हो गई। तो इसका मतलब इसका ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब प्रैक्टिकली पाया गया तो इसका कम आ रहा था बेटा, कम आ रहा था, इसका कम आ रहा था डाइपोल मोमेंट। तो पता करा कि डाइपोल मोमेंट कम क्यों आ रहा है। डाइपोल मोमेंट इसलिए कम आ रहा था बेटा कि फॉस्फोरस के पास क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, तो बेटा इसने बैक बॉन्डिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एक डाइपोल बेटा पीछे की तरफ भी बन रहा था, ठीक है। तो फाइनली जब फाइनल ऑर्डर निकल गया तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा निकला, ठीक है। सर हमें कैसे याद रहेगा, पढ़ के याद रहेगा, ठीक है। जितनी बार नोट्स रिवाइज करो याद रहेगा, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो पानी पी लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लो, काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया शायद। हाँ 1 घंटा हो गया। ये बेटा काफ़ी बड़ा लेक्चर था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लिया। समझ में तो आया, स्पीड ज़्यादा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है सब, करें कंटिन्यू, ठीक है। सबने पानी पी लिया, ओके। चलो देखो जरा, CH4 CH Cl3 CH2 Cl2 CH3 Cl। अब देखो बेटा, इसमें जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर कुछ इस प्रकार आता है। पहले ऑर्डर बताता हूँ, फिर देन एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दो जरा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा Cl Cl Cl, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा ऐसा। हाँ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ रहे हैं, आपका दिमाग सबसे फर्स्ट सेकंड में ये दिमाग काम करते हैं, 3 क्लोरीन अच्छा अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट इम्पार्ट कर रहे होंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। उससे कम 2 क्लोरीन वाले कर रहे होंगे, उससे कम 1 क्लोरीन वाला। लेकिन ध्यान दो बेटा, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर्स का क्या होता है, एडिशन। तो ध्यान दो, टेट्राहेड्रल में बेटा, टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो आपको पता है वेक्टर्स का एडिशन अगर कर रहे हैं, तो एंगल 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होने लगे तो वेक्टर की एडिशन क्वांटिटी कम होने लगती है, ठीक है। वेक्टर की एडिशन क्वांटिटी कम होने लगती, तो जो एंगल है बेटा काफ़ी हद तक 90 डिग्री ज़्यादा होता है। तो तीनों का समेशन जो होता है बेटा, जो तीनों का डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर्स का समेशन आता है तीनों का, वो सिंगल क्लोरीन से भी कम आता है बेटा। सिंगल, थोड़ा 3D में अगर सोच सकते हो, सोचो 3D में अलग अलग एंगल पे बेटा 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और तीनों का एडिशन भी एक सिंगल क्लोरीन के बराबर नहीं है, ठीक, क्योंकि इनके बीच में एंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है। उससे ज्यादा होता बेटा है 2 क्लोरीन वाला, यही रीजन है कि 2 क्लोरीन मिलकर ज्यादा इम्पार्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पार्ट कर रहे हैं। इनके बीच में भी एंगल कितना है, 100 6 7 8 9 10 जो भी होगा, ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आता बेटा सिंगल क्लोरीन वाले में, सबसे ज्यादा आता है सिंगल क्लोरीन वाले में। तो इसका एक्सप्लेनेशन याद रखेंगे, 3D में इनका एंगल बेटा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वजह से वेक्टर एडिशन कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका CH3F CH3Cl CH3Br CH3I।
ठीक है, करो जरा, करो करो। आपको दिख रहा होगा फ्लोरीन बीइंग वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, तो होगा क्या आपको लग रहा होगा, ये आएगा ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात समझो, जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, उसमें चार्ज का भी फैक्टर होता है, क्यू इंटू डी, डी का भी फैक्टर होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस का भी फैक्टर होता है। तो होता क्या है बेटा, जब क्यू डी निकालते हैं इनके लिए, क्यू डी निकालते हैं, तो क्लोरीन के केस में ज्यादा आ जाता है, क्या आ जाता है, क्लोरीन के केस में ज्यादा आ जाता है। तो ये वाला ऑर्डर क्या है, गलत है। सही ऑर्डर होता है CH3Cl, उससे कम CH3F, उससे कम नॉर्मल चलता है CH3Br, उससे कम CH3I, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया बेटा, डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेट कर गया बेटा, डिस्टेंस का फैक्टर, ठीक है, डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट, ठीक है, ठीक है। क्लोरीन वाले में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बीइंग चार्ज थोड़े, चार्ज थोड़ा सा कम होता है, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए डाइपोल की वैल्यू क्लोरीन के केस में ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो यही एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी सबका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखें, क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक, याद रखेंगे इसको, क्लियर है, एक्सेप्शन है ये। नेक्स्ट है आपका N2O, N2O का स्ट्रक्चर बनाना आता है बेटा, जल्दी बताओ, नहीं आता तो बहुत मारूंगा, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा चुका हूँ, अब तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेगा। N ट्रिपल बॉन्ड, N एक लोन पेयर बची है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा बेटा, ये मल्टीपल बॉन्ड का डाइपोल, ये ऑक्सीजन का डाइपोल बराबर नहीं होंगे, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। N2O4 बेटा, N2O4 कैसा बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा बेटा, जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा, जीरो, यानी नॉन पोलर, ठीक है, ये पोलर, ठीक है। N2O5 बेटा, N2O5 का तो बनवा चुका हूं ना, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये तो दो लोन पेयर रखे हैं बेटा, इन्हीं की वजह से म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर, ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर, फाइन, ये लेक्चर खत्म होने वाला है। डाइपोल मूवमेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, बेंजीन का डाइपोल मूवमेंट कैसा है, सॉरी जीरो, ये तीन क्लोरीन, तीनों के तीनों कैसे हैं, 120 डिग्री पे बेटा, तीनों के तीनों 120 डिग्री पे हैं, ठीक है, तो 120 BClL3 देख कर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू जीरो, 180 डिग्री पे म्यू इक्वल टू जीरो, सारे सारे कैसे हैं, नॉन पोलर, ठीक है, सारे सारे कैसे हैं, नॉन पोलर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक ही है बेटा, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो जरा, अगर मैं इसका म्यू इक्वल टू एक्स मान लूँ, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, ठीक है, तो इसका कितना होता, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा रहा था बेटा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट एक्स मान लूँ, तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है, ये एक्चुअली वेक्टर का क्वेश्चन है बेटा, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान दो जरा। अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा, 120 डिग्री बनेगा, ये चीज समझ में आती है, 120 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर की नॉलेज से जानते हैं, अगर दो इक्वल वेक्टर आपके 120 डिग्री पे हैं, तो उनका एडिशन भी उन्हीं के बराबर आता है, उनका एडिशन भी उन्हीं के बराबर आता है। तो अगर मैं बात करूं इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का एडिशन कर दूं बेटा, तो इनका एडिशन म्यू कितना आएगा बेटा, एक्स के बराबर, और एक क्लोरीन का एक्स तो है ही बेटा यहाँ, तो म्यू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, 2x, म्यू रिजल्टेंट 2x आ जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल के ट्वाइस आएगा इसका डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसका एक्स है तो इसका कितना होगा, 2x, ठीक है, ज़्यादा किसका होगा, इसका। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, लीनियर होता है ना ये, ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कैसा होता बेटा, इसका म्यू कितना आएगा बेटा, जीरो, इसका म्यू कितना आएगा, जीरो, ठीक है, कैसे हैं, नॉन पोलर,
नॉन पोलर यानी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे। ये देखो जरा, ये ओ एच है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं बेटा, ये ओ एच है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ म्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा बेटा, म्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं और उनका ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है बेटा, ठीक है? मान लो इसका वेक्टर ओरिएंटेशन ऐसा है, इसका वेक्टर ओरिएंटेशन ऐसा है, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा बेटा, ठीक है? थ्री डी स्पेस में अगर आप सोच सोच पा रहे हो तो समझ में आ जाएगा बेटा, इनका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है? पोलर है ये, क्या है? पोलर। सिमिलरली ये भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो पोलर है बेटा, ठीक है? ऑक्सीजन तरह, क्योंकि इनके लोन पेयर का ओरिएंटेशन जो है कभी भी बेटा, मतलब मोमेंटरीली तो सेम ओरिएंटेशन में आ सकते हैं, जिसकी वजह से मोमेंटरीली डाइपोल मोमेंट इनका कैसा हो जाए? जीरो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैसे रहेंगे? सेम ओरिएंटेशन में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इनका कैसा आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? पोलर, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? थीके? तो जिसको जिसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, बॉन्ड ऑर्डर अभी जितनी बार हमने बात करी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे और फॉर्मल चार्ज भी पढ़ेंगे, ठीक है? इसके साथ हमारा आज का टॉपिक बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मोमेंट खत्म हुआ बेटा। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है? अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना है, ठीक है? पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।